ये है श्याम बाजार कोलकाता का और यहाँ का माहौल और यहाँ की बंगाली महिलाओं को आप देख सकते हैं और साथ में ये म्यूजिक परेड भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी जब मैं विजिट कर रहा हूँ तो इनका कुछ पूजा चल रहा है और पूजा के समय बंगाली लड़कियां और बंगाली महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा ओकेशन होता है अपनी सुंदरता को प्रकट करने का। तो चलिए, लेकिन आज जो मैं जगह दिखाने वाला हूँ ये जगह केवल बंगाली और बांग्लादेशी लोगों को ही पता है। तो ये कौन सी जगह है और कहाँ पर है और आप कैसे आ सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज ऑफ कोलकाता, विजिटिंग प्लेसेज ऑफ कोलकाता, टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ कोलकाता, कोलकाता नाइट लाइफ, कोलकाता नाइट पार्टी, कोलकाता ट्रैवल एंड टूर करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो ये जगह केवल बंगाली और बांग्लादेशी लोगों को पता है। तो ये कौन सी जगह है अब मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा अंदर चल के माहौल आपको दिख रहा है, नाइट लाइफ दिख रही है, अभी अंदर चलेंगे तो और अच्छी नाइट लाइफ आपको दिखने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट एंड राइट साइड ये एक वॉकिंग मार्केट तरफ है, वॉकिंग स्ट्रीट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट में ही मार्केट लगती है। ये है धर्मतल्ला नाइट मार्केट कोलकाता की, और यहीं पर न्यू टाउन मार्केट एंड फेमस एक्सपोर्टर है, न्यू मार्केट आपको दिखाई दे रहा है वो सामने। तो ये जो बहुत बड़े बड़े कपड़ों का स्टोर है यहाँ पे, और यहाँ पर बांग्लादेशी लोग आते हैं और यहाँ से सस्ते सस्ते आइटम ले जाते हैं और अपनी कंट्री में बेचते हैं, इसीलिए कुछ लोग इसे बांग्लादेशी मार्केट ऑफ कोलकाता भी कहते हैं, क्योंकि बांग्लादेशी लोग यहाँ से आके सामान लेके अपनी कंट्री में बेचते हैं, क्योंकि बहुत ही सस्ता सामान मिलता है। तो ये है धर्मतल्ला का नाइट मार्केट, या फिर ये कहें धर्मतल्ला मार्केट, जो कि केवल बंगाली और बांग्लादेशी लोगों को ही पता है। अभी तो फ़िलहाल इनका क्लोजिंग का समय है, फिर भी आप भीड़ देख सकते हैं, रात के 10 बजे इतनी भीड़ है। तो शाम को 7 बजे जब आप आओगे तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं लेट आ रहा हूँ सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ कि क्राउड कैसा रहता है और कैसे रोड साइड मार्केट होती है कोलकाता में। तो अगर आप कोलकाता ट्रैवल कर रहे हो तो ये एस्प्लैनेड मेट्रो स्टेशन के पास ही है, एस्प्लैनेड मेट्रो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, और आप यहाँ पर आके क्या कर सकते हैं, चीपेस्ट आइटम्स बाय कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल से लेके हाई प्रोफाइल लड़के एंड लड़कियाँ यहाँ पर आके शॉपिंग करके जाते हैं, और कपड़े भी अच्छे मिलते हैं एंड सस्ते मिलते हैं, इसीलिए धर्मतल्ला का नाइट मार्केट फेमस है। अगर आप एक बार इस मार्केट को घूम लिया तो 100% आप यहां से कुछ ना कुछ खरीद कर ले ही जाओगे। तो अगर आप कोलकाता की नाइट लाइफ और बांग्लादेशी मार्केट ऑफ कोलकाता देखना चाहते हैं तो यहां पर ज़रूर ज़रूर आना। अब वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ भी डाउट है कोलकाता से रिलेटेड, अगर आप कोलकाता ट्रैवल कर रहे हो या फिर कोलकाता के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर वीडियोज अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।